गिरना मत। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8। मैं और मम्मा उठ गए हैं। आज संडे था तो हम थोड़ा लेट उठे। और देखो, मम्मी ने तो नहा धो के पूजा भी कर दी, मैंने सिर्फ ब्रश किया है। अभी हम लोग पी रहे हैं मॉर्निंग टी पी रहे हैं, मम्मी की बोरी और ये रही मेरी, सो टेस्टी गाइस। ये देखो मम्मा मुझे बादाम छिल छिल के खिला रहे हैं। अब ये फालतू के खाने के काम की है बस, काम धंधा इसका कुछ है नहीं। छिला छिलाया जो छिलना है छिलके नहीं खा रही, छिला छिलाया खा रही है। फिर आप छिलके इसके ले लो, मेरे लिए तो छिल रहे हो। और देखो सही वाला भी देख, मैं अपने बेटे के लिए छिलती पर मेरा बेटा है ही नहीं इधर का, तो बेटी को खिला लो। पापा खिला रहे होंगे। गाइस देखो, मैं इनको कंप्लेन करती हूँ कि आप हमेशा बेटा बेटा करते हो। आपने भी व्लॉग में कई बार सुना होगा, हमेशा मेरा बेटा ही करते रहते हैं। वो पास है तब भी, वो दूर है तब भी, बेटी का तो नाम ही नहीं आता इनके मुंह में। शराब ले तेल छिल रखे हैं बेटा, किसी को आग लगाने के लिए जल रही है कोई अंदर ही अंदर। नहीं भाई, मेरा भाई है, उससे क्या जलना। मैं तो तेरे चक्कर में रहूंगी ना, तो मेरा काम नहीं होगा। अरे सही गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 11। घर का सारा काम हो गया है और आज मैं जा रही हूँ झर्री पानी घूमने के लिए, तो मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, बस अब निकल ही रही हूँ। तो गाइस हम झर्री पानी के टर्न में, ये देखो ये रहा टर्न, दिस टर्न। गाइस अभी हम लोग झर्री पानी के जस्ट टर्न पे रुके हुए हैं और हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करके आए थे तो भूख लग रही थी। लोगों ने अभी एक चीज मैगी और टी ऑर्डर किया है विद 1 आलू पराठा, हम लोग खाएंगे उसके बाद आगे जाएंगे। मेरे लिए है चीज़ मैगी और ये पराठा। ये देखो गाइस, नाइस कॉम्बो, चीज मैगी विद आलू पराठा। मजा आ रहा है, फिलहाल भूख लग रही है ना, तो अच्छा लग रहा है। बहुत ही सड़ा हुआ हो रहा है चीज मैगी तो, अच्छा हो रहा है। ठीक है, पता नहीं कैसे खा रही, जिसको टेस्ट ही नहीं मालूम उससे क्या कहना। कैसे खा ले रहे हो आप मुंह से? चलो बाय गाइस, मैंने इस इंसान को खाना सिखा दिया। देखो अभी मुझे बोल रहा था कि मैगी के साथ में कौन खाता है, अभी खुद पराठा मैगी के साथ। गाइस ये देखो, ये लगा झर्री पानी का बोर्ड और हमें जाना है यहाँ से ऊपर। गाइस हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अभी जा रहे हैं झर्री पानी। गाइस अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे रुक गए हैं क्योंकि इस साइड काफ़ी ठंड है, तो थोड़ी देर धूप में बैठ रहे हैं, हाथ पैर दोनों ही फ्रीज हो गए, फिर निकलेंगे आगे थोड़ी देर में। गाइस ये देखो, यहाँ से मैं एक बार आपको व्यू दिखाती हूँ, पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। अभी दिन में तो सनलाइट है इसलिए ज़्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा, रात को तो बहुत सुंदर लगता है ये। मेरा तो आगे जाने का मन ही नहीं हो रहा, मन कर रहा है यहीं पे सो जाऊँ। ये लेना विंटोस। ज़्यादा दुख लेगा ना, गर्मी भी हो रही है। नहीं अभी तो ठंड लग रही है, अभी नहीं हो रही, मोर लग रही गर्मी। अब हम जा रहे हैं आगे, बहुत धूप सेक ली। देखो यहाँ से व्यू क्या मस्त लग रहा है। यहाँ पे ये बोर्ड दिख रहा है आपको, झर्री पानी कैसे बुटीक से, और यहाँ पे छोटा बोर्ड है, हमें जाना है इससे नीचे। ओह माय गॉड, यहाँ से नीचे बहुत ढलान है गाइस। हाँ ब्रेक का ही सहारा है। गाइस ये देखो भयंकर, यहाँ तो तोड़ फोड़ हो रखी है पूरी, अंडर मेंटेनेंस चल रही है रोड। ओह गॉड, आराम से गिरेंगे तो सीधा खाई में जाएंगे। नहीं गिरते, लेट्स सी, अगर मैं चला रही होती तो जरूर गिर जाते। मैं खुला ही नहीं था रास्ता, रास्ता खुला हुआ नहीं है। गाइस हमारे गांव में तो इसको घदेरा कहते हैं और यहाँ के लोगों के लिए घूमने की जगह है, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी एक्सप्लोर कर लें। गाइस एक बार चेक करके आते हैं नीचे रास्ता खुला भी है कि नहीं।
देखो खुला है भाई, जा सकते हैं, जा सकते हैं, आगे रोक लेना, चलो चलो मैं आ रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्लोप है यार यहाँ। उसके आगे नहीं है क्या रास्ता? रास्ता तो है लेकिन पैदल के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, पूरा नीचे तक चले जाते, पैदल पैदल आ जाती मैं। गाइज यार यहाँ पे रास्ता तो बहुत ही खतरनाक हो रखा है भयंकर। हम लोग तो जैसे तैसे नीचे आ गए, अब यहाँ पे हम लोगों ने स्कूटी लगा दी है। यहाँ से आगे पैदल वाला रास्ता है क्योंकि रास्ते में बजरी गिरी हुई है। लो हेलमेट इसमें फंसा देना, खोलना सर। लेकिन देखते हैं आना वर्थ इट होता है। चलो अरे चाबी रख लेना यार, मुझसे घूम जाएगी। यहाँ से पैदल भी कितना होगा, यहाँ से पैदल कितना है? पता नहीं, 500 मीटर, 1 किलोमीटर। बाबा नीचे जाते वक्त तो कुछ नहीं होता, ऊपर आते वक्त थकान होगी यार। गाइस ये देखो हम कहाँ से चल के आए उतने दूर से, और अभी ये रास्ता यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा ही है, पर देखो कितना लंबा रास्ता है यार। मुझे लग रहा है 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है वॉकिंग डिस्टेंस। जिस तरह पानी की आवाज़ आ रही है ना, बहुत तेज स्लो है शायद। तो देखते हैं, ये देखो लैंडस्लाइड हो रखी है वहाँ से, वहाँ कर पेड़ वेड़ टूट रखे हैं नीचे भी। देखो वैसे भी यहाँ गाड़ी लाने जैसा हो नहीं रहा, अगर हम थोड़ा नीचे और भी ले आते तब भी हमें पीछे लगानी पड़ती। यो। अरे यार यहाँ तो सारे ही रास्ता ऐसा और खाइए। ये देखो खतरे से खाली नहीं है जगह। गाइस अभी तो यहाँ कोई मत आना यार, रास्ता बहुत खराब हो रखा है। ये देखो यहाँ पार्टी हो रही है। फाइनली यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए। ये देखो एक बार मैं आपको झरना दिखाती हूँ छोटा वाला। अब हमें जाना है उस पार, फिर ऊपर चढ़ाई चढ़नी है, देखते हैं कैसे क्रॉस करते हैं। पहले तुम करना जरा, आई फॉलो यू। एक बार अगर हम यहाँ से गिरे ना तो सीधा नीचे जाएंगे। वो देखो जाना जरा, बहुत सेफली आप। डर लग रही है, मेरे जूते भीग जाएंगे। ये तो चला गया उस बार, मैं कैसे जाऊँ? डर लग रही है यार, आज फ्लो बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे पानी का। अबे बचाना, आ गिरूंगी तो। ना मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, मुझे डर लग रही है। गाइस हम इस बार तो आ गए हैं, एक बार यहाँ से देखो कितना खतरनाक है। अब हम जा रहे हैं ऊपर। हाँ जाना जाना, रुको रुको मैं जाती हूँ। आराम से भाई, गिरना मत, कैसे इजी था। मेरे पैर भीग गए यार। मेरे भी तो। गाइस ये है झरी पानी और ये झरना देखो। अभी सर्दी है ना इसलिए यहाँ पे लोग नहीं है, अदरवाइज गर्मियों में तो लोग यहाँ नहाने के लिए आते हैं। पानी की ड्रॉपलेट्स यहाँ तक आ रही है भयंकर। थोड़ा सा और पास जाकर दिखाती हूँ आपको। ये देखो पानी में फोर्स कितना ज्यादा है यार।
गाइस हम लोग की अच्छी खासी ट्रैकिंग हो गई आज। तो ओके गाइस हम यहाँ से जा रहे हैं, ये देखिए झरने पानी का झरना। हाँ तो वी आर गोइंग। और यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं इस बार, तो लोग भी नहीं क्योंकि सर्दियाँ चल रही है ना, ना खाने का कुछ है ना कुछ। तो ओवरऑल हम सब देखने आए थे कि क्या चल रहा है, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम आए थे 2 साल पहले अंकल लोगों ने कहा था यहाँ पे स्विमिंग पूल बनने वाला है, बट अभी ऐसा कोई प्रोग्रेस मुझे दिखा नहीं। ओवरऑल जगह अच्छी है लेकिन थोड़ा रिस्क है यार, अपने रिस्क पे आना, ब्लॉग देख के बिल्कुल मत आना। ठीक है गिरना मत। भैया आराम से जाना, गिरना मत। अरे मैं फंस गई। तो क्यों बन रही है फिर तीर? आते रहे जरा तो थोड़ा वाटर से लेने दो। वापस लाओ वापस, मैं नहीं जा सकती ऐसे। देख तुम्हें पहले जाना पड़ेगा, मेरे बस का नहीं है ऐसे जाना। आराम से जाना भाई, डर लग रहा है ना? डर तो नहीं लग रहा पर भीग जाऊंगा यार सर्दी में। अब मुझे गाइस मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैंने अपने के लिए खुद रास्ता ढूंढ लिया। देखो नो रिस्क इजी वे। अबे बचा लेना, इतना भी आसान नहीं है। और भी लोग आ रहे हैं, पता नहीं कैसे जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं यहाँ। तो सबसे बड़ा टास्क हमारे पास ये है, यहाँ से कैसे पार करना हमें, क्योंकि एक गलती और हम नीचे। मैं यहाँ से तो आ जाऊंगी, देख के जाना। पे बॉटल फेंक दो ना पहले उधर। अब मैं कैसे आऊंगी? गाइस हम फाइनली पहुंच गए इस साइड। ओह माय गॉड, हम घूम फिर के आ गए और यहाँ पार्टी खत्म नहीं हुई। हाँ वही तो, पता नहीं कैसे ले आए, देखो ये अंकल बाइक यहाँ तक लेके आ गए। अब हमें आने वाली है आफत ऊपर चढ़ने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है यार। गाइस एक सच मैं आपको बताती हूँ, मुझसे बोला गया था नीचे आने तक वॉकिंग डिस्टेंस सिर्फ 1 किलोमीटर है, कद्दू है 1 किलोमीटर, पूरा 1.5 से 2 किलोमीटर है। नीचे आ तक तो ज़्यादा पता नहीं लगा, अब पता चलेगा ऊपर जाते वक्त। और सर्दियों में तो यहाँ बिल्कुल मत आना, वेस्ट ऑफ टाइम है। हम लोगों को तो खैर एक्सप्लोर करना था तो हम लोग आए, लेकिन यहाँ लोग भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं। अभी आए थे, जब हम लोग वापस आ रहे थे तब आए थे कुछ लोग, वो भी वीडियो बनाने के लिए ही। बाकी गर्मियों में ही अच्छा चलता है क्योंकि लोग नहाने आते हैं तो ठीक है। और आपको पता है झर्री पानी का रियल नेम है डूम गांव, इसे बाद में बदल के झर्री पानी रखा गया, लेकिन झरना काफ़ी बड़ा है, फ्लो भी बहुत तेज़ है, बट छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जगह, क्योंकि थोड़ा रिस्क भी है यार। और हील्स या स्लीपर्स पहन के मत आना, ऑलवेज वेयर शूज़, क्योंकि ग्रिप बनाने में हेल्प करता है। अब हम जा रहे हैं ऊपर, चल चलते आने वाली है हमारी आफत, है ना। यहाँ जैकेट भी उतार दी क्योंकि गर्मी लगने लग गई ना चलते चलते। इट्स टू हॉट। यस हॉट तो पता नहीं, बट इट्स टू लॉन्ग। पूरा रास्ते पर पेड़ का बैकग्राउंड चाहिए, मैं वो बना लो बोल रही हूँ। देख रहे हो
रील बनानी पड़ रही है लोगों की यहाँ। चलो गाइस, वो तो शॉर्टकट रास्ते में चली गई, मैं जा रहा हूँ लॉन्ग रास्ते से। अब देखते हैं कौन पहले पहुँचता है ऊपर वाले रास्ते में। ये देखो गाइस, इसका शॉर्टकट रास्ता। गाइस मैं वहाँ देखो नीचे से लेके ऊपर तक शॉर्टकट आई। अब यहाँ मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए ना, क्योंकि यहाँ के मिट्टी थोड़ी फिसलन वाली है हाथ। गाइस फाइनली इतनी मेहनत के बाद हम अपनी स्कूटी तक पहुँच ही गए। हाय, तो गाइस फाइनली हम लोग ऊपर पहुँच गए हैं इतनी मेहनत के बाद, और थकान लग गई यार। झरी पानी तो मैंने आप लोग को दिखा दिया है। एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, बच्चे यहाँ अकेले बिल्कुल ना आए। आना है, घूमना पसंद है आप लोग को तो अपने पेरेंट्स के साथ में आना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी है, थोड़ा रास्ता ख़राब है, बाकी पानी का फोर्स भी बहुत ज़्यादा था। तो आज का ये व्लॉग ख़त्म करें हम यहीं पे। आई होप आप लोगों ने व्लॉग इन्जॉय किया। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर देना। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय। लाइक भी करना।